नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आंदोलन का होना एक आम बात है। हमारा देश आंदोलन की वजह से ही आजाद भी हुआ था। इस देश की एक खूबी है कि अपनी मांग को मनवाने के लिए आप आंदोलन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके द्वारा किया गया आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से भी होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए, ताकि पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना होने पाए। दोस्तों, अभी हाल ही में 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था, जिसका कारण था सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST एक्ट में संशोधन होना, जिसके विरोध में दलित समुदाय के लोगों ने जबरदस्त भारत बंद किया था। इस भारत बंद के दिन देश में कई हिस्से में हिंसा की घटनाएं सामने आई थी और कई जगह इनमें शामिल लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी किया गया था। आपको बता दें कि आरक्षण के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने भी 10 अप्रैल को भारत बंद किया था और उनकी मांग थी कि आरक्षण आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, ना कि जातिगत आधार पर। दोस्तों, इस आंदोलन में किसी तरह की अप्रिय घटना की कोई भी खबर सामने नहीं आई थी, क्योंकि शायद इस भारत बंद से राजनीतिक पार्टियों का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा था। दोस्तों, ऐसे ही आने वाले 26 अप्रैल को भी भारत बंद होने की खबरें सोशल मीडिया की तरफ से आ रही है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो अप्रैल 2018 पर यह महीना बहुत यादगार होने वाला है, क्योंकि इतनी बार भारत बंद तो शायद ही किसी महीने में हुआ होगा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया से आई खबरों से यह पता चला है कि इस बार भारत बंद होने का कारण अयोध्या का राम मंदिर होगा। हालांकि अभी इसकी कोई किसी तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए अभी यह तय नहीं माना जा रहा है।